पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भवा मेले का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री राठखेड़ा। आयुष्मान भव मेले के तहत शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी के परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पोहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की विशेष रूप से स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श व दवा दी जाएगी। पोहरी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिव प्रताप अग्रवाल ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत आयोजित मेले में यक्ष्मा, कुष्ठ, मलेरिया, फलेरिया, मौसमी बीमारी, परिवार कल्याण, पोषण सहित 26 प्रकार की बीमारियों की उपचार एवं आवश्यक जानकारी देने के साथ दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी सहिया बीटीटी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य मेले में सुदूरवर्ती इलाके के रोगियों को जागरूक कर स्वास्थ्य लाभ दिलवाने के निर्देश दिया। इस मेले की पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने सराहना की कि मौके पर डॉक्टर महेंद्र धाकड़, पूर्व बीएमओ पोहरी डॉक्टर दीक्षांत शर्मा सहित समस्त स्टाफ एवं आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन बहनों की चिंता किसी ने नहीं की, और बहनों की यदि किसी ने चिंता की तो मध्य प्रदेश के एकलौते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहनों की इज्जत। आज से 15 साल पहले एक भी बहन कह दो आशा कार्यकर्ता कुछ जानता था क्या? सर आशा कार्यकर्ता कुछ जानती नहीं। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तो सबसे पहले ध्यान गया तो उनकी बहनों की तरफ गया। चाहे वो लाडली बहन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, और चाहे मेरी आशा की बहन हो, इनका ध्यान इसलिए किसी ने किया तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमने कभी सोचे नहीं था कि बहनों को भी आरक्षण मिलेगा। पंचायतों में था 50% आरक्षण, लेकिन लोकसभा विधानसभा में हमने कभी नहीं देखा कि बहनों को भी आरक्षण मिलेगा। अब हमारी बहन को नहीं लगेंगे चूल्हा फूंकना, आज हमारी बहन प्रदेश चलानी और देश चलानी। 33% का आरक्षण इस केंद्र की सरकार ने हमको दिया। हमने लोकसभा में उसको पारित किया और राज्यसभा में भी पारित हो गया। आने वाले चुनाव में विधानसभा में 33% हमारी बहन बैठ के और मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे। बहनों को जमानत देखा, हमने भी देखा और आपने भी देखा। जब कांग्रेस की सरकार होती थी हम छोटे छोटे थे, मैं भी स्कूल जाता था। स्कूल गांव में तो होते नहीं थे, 5-4 गांव छोड़ के एक आध गांव में स्कूल होता था। तो हमारे बड़ा गांव बमरा था तो बमरा में स्कूल हुआ करता था। तो मैं जाता था तो मेरी माता जी मेरे को 4 रोटी बनाती थी और अब गांव में छन्ना कहते, छन्ना बांध के रख देती थी। हम जाते थे गांव से बाहर, नाला मिल जाता, कुआ मिल जाता, वहां बैठ के वो रोटी अपनी खाते थे और कुआ का नाले का पानी पीते थे। ये जमाना था कांग्रेस का। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सारे सिस्टम बदल दिए। हमारा बेटा बेटा स्कूल जाएगा तो नाश्ता की चिंता सरकार को, भोजन की चिंता सरकार को, बस्ता की चिंता सरकार को, और दूर हमारी बेटी कैसे स्कूल जाएगी तो साइकिल की चिंता मामा स्वराज। अब तक प्रथम स्थान पर जो बेटी हमारी आएगी उसको साइकिल नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, स्कूटी की सौगात भी मामा स्वराज सिंह चौहान ने हमको दी है।